दुपट्टा है, दुपट्टा को उठा को ऐसा बांध लिए तो इट विल बिकम स्कार्फ। कुरान के अंदर जो भी दिया है क्या सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्डर होने वाला है, क्या ऑर्डर होगा, नोबडी कैन से क्या पहन सकता हूँ मैं क्या नहीं पहन सकता। इट इज़ ऑल्सो फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड ऑल्सो इट कम्स अंडर राइट टू प्राइवेसी। साइंटिफिकली स्कार्फ इज बेनिफिटेड टू ए पर्सन हु ए वुमेन हु इज़ वेयरिंग। आर्ग्यूमेंट्स इज गोइंग ऑन, इट विल टेक अनदर 8 or 10 days इंशाल्लाह। लेट प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है। एडवोकेट सीनियर एडवोकेट कामत ने अपना आर्ग्यूमेंट अभी तक ख़त्म भी नहीं किया और फिर 15-20 मिनट अभी एक दिन लगेगा उनका आर्ग्यूमेंट, एक आधा एक घंटा और लगेगा आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद में और से और बहुत एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, फिर उनका है, फिर उसके बाद में हमारा आर्ग्यूमेंट्स है, वो सभी एक हफ्ता कम से कम एक हफ्ता लगेगा अगर डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलेगा तो। भी अभी तो फिलहाल कोर्ट के सामने तो आठ नौ एडवोकेट्स हैं जिनका आर्ग्यूमेंट्स और एक हफ्ता चलेगा इंशाल्लाह। तो वैसे ही अड़जान होता रहेगा, देखते हैं कि कोर्ट अभी कल के लिए हियरिंग की रखा है 15th को, कल उनका हियरिंग होगा, फिर अपॉर्चुनिटी सबको भी मिलेगी, सब हमारी तरफ से सुनने के बाद में फिर स्टेट को अपॉर्चुनिटी। एडवोकेट जनरल की तरफ से कोई बात रखी गई अभी उनको? कुछ भी नहीं, अभी मौका नहीं मिला क्योंकि सब पहले दिट इज़ द केस ऑफ पिटिशन, हमारा केस है। हम लोग के आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होने के बाद में फिर रिप्लाई में फिर इसमें स्टेट को सुना जाएगा एडवोकेट जनरल आर्ग्यूमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में रिप्लाई के लिए मौका देगा उसको क्लारीफाई करने के लिए। कोर्ट के पास बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे जो पिटिशनर्स को पूछेंगे, फिर बाद में स्टेट को पूछेंगे, उसके बाद में दोनों की तरफ सुनने के बाद में कंक्लूजन पे आके जब जजमेंट होगा, जब वो कोर्ट एक कंक्लूजन पे आए। फंडामेंटल राइट एक कमेटी के ऊपर डिसाइड नहीं हो रही है, वो वहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने बताया था कि एक कमिटी हेडेड बाई MLA कैन नॉट इन्फ्रिंग और कैन नॉट करटेल राइट ऑफ ए स्टूडेंट बाई रिस्ट्रेनिंग हर टू वेयर ए हिजाब। सर और कितने दिन तक के चलने के आपको आसार लगते? मैंने पीछे पहले भी बताया कम से कम 8 से 10 दिन तो मिनिमम लगेंगे, मिनिमम। सर जिस तरह का आखिरी सवाल, जिस तरह का आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपको क्या उम्मीद है कि जजमेंट किस तरह से सकता है? आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जजमेंट हम लोग कोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज क्या ऑर्डर होने वाला है, क्या ऑर्डर होगा, नोबडी कैन से नोबडी। हाँ, वेदर इट इज़ ए राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ फंडामेंटल, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट कोई भी राइट हो, इट इज़ बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी चैलेंज इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेर इट स्पीक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन। इवन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 27 तक भी हम लोग यहाँ पे हर अलग अलग एडवोकेट्स चैलेंज कर रहे हैं। When it comes, whether it comes to right to privacy, whether it comes to right to education is questioned, right to religion is questioned, whether which right will override. यहाँ पे right to life and liberty भी आता है, right to privacy भी आता है। Each and every citizen has its own right of freedom of choice. मैं क्या पहन सकता हूँ, मैं क्या नहीं पहन सकता, it is also freedom of choice and also it comes under right to privacy. Again, the right to privacy comes under right to freedom of life and liberty. And again, the question arises whether right to freedom of religion override the right to freedom of education, right to freedom of education, or it will be maintained. Uska wait karke kyun kato? Each and every right is important. No right cannot overrule any right. So there are certain situations where the fundamental rights can be curtailed to some extent by the state or by the court. It can be suspended for some period, but here that is not a question. Here the question is that whether the hijab, whether the scarf, headscarf is a essential part of Islamic religion, Islam, whether the Quran quotes about, speaks about the hijab, whether it is very much essential part of Islamic religion. If it is violated, then what will be the results? So ye question aata hai, the court should deeply go into that and in respect of the, in supporting to the Quranic versions, the hadith of Bukhari and others are to be produced before the court to explain that it is the essential part. एंड मीनवाइल एक क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि ऑल दी
वेदर कुरान के अंदर जो भी दिया है क्या सब कुछ फॉलो करना पड़ता है? एडवोकेट कामट हैज ब्यूटिफुली रिप्लाइड दैट दैट इज़ अ लार्जर क्वेश्चन विच इज़ नॉट इन डिस्प्यूट नाउ. इट इज़ द स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम हु शुड डिसाइड. इस्लाम के स्कॉलर्स जो हमारे शरीयत को जो फतवा देते हैं, जो वो बड़े बड़े उलमा उसका काम करते हैं, वो उनको चाहिए. अभी अगर ये फंडामेंटल राइट्स की जब बात आती है, अब ये वेयरिंग ऑफ स्काफ सब रिलीजन में करते हैं. स्काफ साइंटिफिकली ऑल्सो इफ यू गो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रूव साइंटिफिकली आई हैव गॉन थ्रू आई हैव रिसर्च दैट साइंटिफिकली स्काफ इज़ बेनिफिटेड टू ए पर्सन हु ए वुमेन हु इज़ वेयरिंग. हाउ? बिकॉज इट गिव्स कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द थॉट्स. इट द स्काफ ऑल्सो सेफ गार्ड फ्रॉम द हीट एंड इट गिव्स ए न्यूरोलॉजिकल हेल्थ. आई हैव गॉन थ्रू द रिसर्च फ्रॉम मेड बाई द डॉक्टर्स. इट इज़ अवेलेबल ऑन द गूगल. एंड ऑल्सो in Kundaliana, while sitting in the yoga, and so many of the gurujis in the mutts, they have told that wearing a scarf, covering the head, not wearing, covering the head at the time of practicing yoga or practicing in moksha or whatever it may be, it gives benefit to the person who is wearing the head scarf. So if you go scientifically, it is not harming to any society. If I am wearing a scarf, it is benefited to me. And on the other hand, it is not not affecting to anybody. So there the question raised whether it is a public order or it is affecting a public order. It is not at all a public order. It was clarified before the court. Not at all a public order. So anyhow, what I want to say is that the arguments is present. The arguments is going on. It will take another 8 or 10 days, inshallah. Let us see and watch what the results, what the court comes to a conclusion and what it delivers a judgment, inshallah. Preamble of Indian constitution, what it says is liberty. Liberty is guaranteed in the basic structure of the constitution, which is preamble. Liberty for faith, belief and worship. So, ye kya hota hai? Faith aur belief ka mamla hai. Scarf ho. सिर को कवर करना चाहे. अभी एक ये आप एक दुपट्टा ओढ़ती है हमारी लड़की जो दुपट्टा ओढ़ती है वेल, अगर उसको उठा के ऐसा रोल करके बन लिए तो वो स्काफ होगा. व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? सिर्फ सेपरेट है स्काफ करना, वही ज़रूरी नहीं है. एक दुपट्टा उठाया ऐसा सिर के ऊपर गोल फिराया ऐसा अटका लिया, इट इज़ ऑल्सो हेड स्काफ. क्या अब ये हेड स्काफ ऐसा निकाला तो तुम यू शुड नॉट वेयर ए वेल? दुपट्टा नहीं ओढ़ना करके क्या तब ऑर्डर कर देंगे? इट इज़ ए क्वेश्चन नहीं सेपरेट. इट इज़ अ सेपरेट अटायर, इट इज़ अ सेपरेट क्लॉथ विच इज़ नॉट एन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इज़ यूनिफॉर्म विच इज़ गिवन, विच इज़ अलॉटेड, विच इज़ गिवन, विच इज़ इंस्ट्रक्टेड टू वेयर बाई द इंस्टीट्यूशंस. अपार्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म द क्लॉथ इज़ ए डिफरेंट अटायर, वो उसे यूनिफॉर्म में ज्वाइन नहीं कर सकते. इवन इन द यूनिफॉर्म ये है क्या बोलते हैं, वेल है दुपट्टा है, दुपट्टा को उठा को ऐसा बांध लिए तो इट विल बिकम ए स्काफ. तो वैसा बांधने के वास्ते भी उन्होंने दुपट्टा निकाला लोगों को भी बोल नहीं सकते. सो हियर दैट इज़ अ क्वेश्चन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से, यहाँ क्वेश्चन आपको बिलीफ एंड फेथ का था. बिलीफ फेथ जितना यकीन करना और उसके ऊपर ईमान लाना. कुरान के ऊपर ईमान लाती हैं. कुरान में बताया गया है कि औरतों को कवर करो बोल के उनके आज़ा को, यानी कि चेहरे और हाथ के अलावा दिखाओ मत, ये पर्दे के अंदर आता है. तो वो क्वेश्चन है यहाँ के, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में ही, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल में ही गारंटी कर रहा है कि ये हिजाब, ये बेसिक अगर ये बिलीफ को अगर नहीं, इट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट बोलेगा तो दैट विल बी अनदर ए क्वेश्चन दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन क्वेश्चन, इट विल बी डैमेज. बिलीफ के बारे में फिर बोल नहीं सकते. फिर यहाँ अलग अलग बताया गया, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, तीन अलग. सिर्फ वर्कशिप बोल देते हो, बिलीफ अलग वर्ड बोलता है, फेथ अलग वर्ड बोलता है, उसका अलग माना होता है, वर्कशिप अलग बोलता है. एक्चुअली इन ऑल क्या बोलते हैं, नो रिलीज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलेगा तो इट इज़ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन बेस्ड ऑन द फेथ एंड बिलीफ. थैंक यू.